ब्लॉग। तो आज के इस ब्लॉग में हम लोग जाने वाले हैं सोलांग वैली। तो आज जो है मैं गलती से टाइम पर उठ गया सही टाइम पर और रेडी भी हो चुका हूँ। टाइम जो हो रहा है अभी अराउंड 9:30 हो रहे हैं, जो हम लोग बेसिकली 10 बजे के आसपास जाने वाले हैं सोलांग वैली का। जो हमारे नीचे जो कैब है वो वेट कर रही है, फिर इसके बाद हम लोगों का जो और प्लान है जाने का वो देखेंगे। और साथ ही एक शिव मंदिर भी जाने वाले हैं, जो बताया था काफ़ी यहाँ पे पॉपुलर है, तो शिव मंदिर जाएंगे। तो आज ये गॉगल्स मेरे बहुत ज़्यादा काम में आने वाले हैं, फोटो शूट के लिए भी अच्छे रहेंगे। तो सबसे पहले तो इन दोनों गॉगल्स को रख लेता हूँ, वैसे तो एक ही ले जाता हूँ। फटाफट तैयार हो गया, बैग पैक करने को रह गया, बस आधे घंटे में मैं निकलने वाला हूँ। तो निकलने के लिए फाइनली हो चुका हूँ बिल्कुल रेडी, और आज का मौसम एकदम परफेक्ट है, धूप खिली हुई है। आज जाएंगे ऊपर पहाड़ों के ऊपर स्नोफॉल की तरफ, दिखाता हूँ आपको कौन सी जगह जाने वाले हैं। फिलहाल तो अभी यहाँ ऐसा मौसम है, और जहाँ आप देख सकते हो वहाँ बर्फ़ गिरी है। आज जाएंगे रोहतक वैली, या एक और वैली थी उसका नाम भूल गया हूँ, उधर भी जाने वाले हैं। कैमरे में फॉग आ गया। तो फाइनली रेडी हो चुका हूँ शिशु वैली जाने के लिए, बस यहाँ से थोड़ा ही ऊपर है वो, तो आप देख सकते हैं पीछे। तो यहाँ से अब मैं जाऊँगा, यहाँ से सबसे पहले हम लोगों ने कपड़े तो चेंज कर लिए हैं, यहाँ से आपको मिल जाएंगे। अब ऊपर जाकर फुल एंजॉय करेंगे। तब तक आपको यहाँ से मैं पूरा दिखा देता हूँ लुक कैसा दिख रहा है यहाँ से। तो अभी तो रुका हुआ हूँ, पहले ये डिसाइड कर लेता हूँ कि मुझे वहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटी करनी है, क्योंकि उसके चार्जेस मुझे अभी पहले से ही देने होंगे। तो इन सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर जाऊँगा सीधे ऊपर। एडवेंचर एक्टिविटीज़ में हमें मिले ट्यूब स्लाइड, जिप लाइन, जॉर्पिंग वॉल और एम बाइक और स्नो बाइक, ये तीन चीज़ें करते हैं। ये सारी एक्टिविटीज जो है हम लोग वहाँ ऊपर शिशु वैली पे कर सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे जो जो हम लोगों को करनी है, वो स्क्रीन को प्लान जो है यहाँ पर मैं ले लूँगा, फिर उसके बाद जाऊँगा सीधे शिशु वैली। तो प्लान तो मेरे को समझ में आ गया है, बस मैं यहाँ पर जिप लाइन को नहीं लेने की सोच रहा हूँ, क्योंकि वो जो है ग्रीनरी में होगी, स्नो में उसका कोई मतलब नहीं है। तो फाइनली मैंने कर लिया डिसाइड कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है, जिसमें हम करेंगे स्केटिंग और ट्यूब स्लाइड और जिप लाइन और बंजिंग जंपिंग, और इसमें हम जो है ना इंटरचेंज भी कर सकते हैं। इंटरचेंज जैसे कि इसमें हम ये जॉर्बिंग वॉल की जगह याक राइड भी कर सकते हैं। तो ये सारी एक्टिविटी को हम दो चार एक्टिविटी को इंटरचेंज भी कर सकते हैं। और डिस्काउंट को तो इन्होंने भैया ने कुछ खास दिया नहीं। चलने के लिए एकदम रेडी। कितना किलोमीटर होगा ऊपर? तो भैया 25-30 किलोमीटर, तो मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटे लग जाएगा। और फिर ट्रैफिक वगैरह भी होता है कई बार तो लगता नहीं है, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो अभी जो मैं रुक चुका हूँ अपनी एक जो हमारी एक्टिविटी थी जंपिंग वाली, जंपिंग का नेम भी भूल गया मैं, तो वो वाली जंपिंग करने वाले हैं, और जिप लाइन, ये दो एक्टिविटी यहाँ पर करेंगे, फिर इससे ऊपर और जाएंगे 30 किलोमीटर। तो पहले ये दो एक्टिविटी कर लेते हैं, इसको एंजॉय करते हैं। तो मैं जा रहा हूँ अब यहाँ से, और साथ में और लोग भी हैं, ये सब एक ही ग्रुप में हैं हम लोग। अच्छा अब हो रही ये वाली जंपिंग है। तो सबसे पहले करने वाले हैं रॉकेट जंपिंग, तो ये अभी रेडी कर रहे हैं ये, अभी और लोग तो आए नहीं है, बाकी ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भी आज से पहले की नहीं है, और इसका नाम भी नहीं सुना, बंजिंग जंपिंग तो सुनी है, तो पता नहीं किस तरीके की है, देखते हैं। रेडी, अबे ऐसे में ले ले रहा है। रेडी
तो भैया जो है हमें एक और जंप फ्री दे रहे थे, लेकिन बस की नहीं है कि कर ले, वैसे मैं दो जंप कर ली, तीसरी जंप मेरी बस की नहीं है, तो दो ही जंप करके यहाँ से चलते हैं। ढीला रखने से कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर टाइट रखी बॉडी तो उसमें चोट तेज लग सकती है, फ्रैक्चर वगैरह हो सकता है। और सबसे ज़्यादा डर इस बात का था मैं समझो सामने को आएंगे वो ऊपर गए। अरे बड़ी हंसकी। तो अब मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए, इसमें बहुत ही ज़्यादा मजा आ गया, पैसा वसूल। अब जा रहे हैं जिप लाइन के लिए। तो ये रही जिप लाइन पीछे, उधर से तो जिप लाइन के लिए अब जा रहे हैं। एक्सपीरियंस बच्चा हो गया नहीं, अगर इसमें हार्ट का बहुत ज़्यादा डर है। तो जिप लाइन कुछ इस तरीके से होगी। ये कितने मीटर का होगा भैया? ये कम से कम 1.5 किलोमीटर की जिप लाइन है ये। तो ठीक है, कर लेंगे अभी है। सही लग रही, लेकिन उसमें तो मत ही पूछो। दोनों राइड लेने के बाद अब जा रहे हैं फिर से अपनी कैब के पास। दोनों ही राइड बहुत ही ज़्यादा औसम थी, और रॉकेट जंपिंग का तो कुछ कहना नहीं, उसमें तो सीधा किल थे किल। या तो बच जाओगे या कर जाओगे। मेरे ख्याल से माउंटेन ड्यू भी कम पड़ेगी इस वाली के लिए, रॉकेट जंपिंग के लिए। रॉकेट जंपिंग भी शायद इसलिए कम बिगड़ा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रिस्क और डरावना तो बहुत ही ज़्यादा है, कुछ कहने की नहीं। जिप लाइन में मज़ा आएगा, थोड़ी पोलाइट है और आराम से इंजॉय कर सकते हो उसको। बाकी तो ये तो एकदम ख़तरनाक थी, इससे पहले ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं किया था। कल जो भी राइड ली थी उन सबसे एकदम नेक्स्ट लेवल थी। अब जा रहे हैं सीधे रोहतक वैली। व्यू आपको दिखा देता हूँ, यहाँ कुछ इस तरीके का है पूरा, चारों तरफ बढ़िया से पेड़ उड़ और एकदम परफेक्ट लोकेशन में। तो अब पहुँच चुके हैं रोहतक टनल, स्टार्टिंग हो चुकी है। ये लगभग 9 किलोमीटर लंबी है पूरी इस टनल को, वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगा।
फाइनली एंटर कर चुके हैं शिशु वैली। टनल के बाद जो भी स्टार्ट होगा वो सब शिशु वैली में ही लगेगा। पीछे आपको दिखा देता हूँ, मैं आ गया हूँ नीचे, अब करूँगा स्केटिंग में। इसके बाद मेरा ही नंबर है और स्केटिंग हम जो है कितनी भी टाइम के लिए कर सकते हैं, कितनी भी देर के लिए फटाक से निक करते हैं स्केटिंग और उसका एक्सपीरियंस मैं आपको फिर शेयर करता हूँ। फेस पे शायद थोड़ा अंधेरा आ रहा होगा क्योंकि सफेद बर्फ है, तो ग्लासेस मैंने लगानी है। मैं कर रहा हूँ स्केटिंग, स्केटिंग तो आग आ रही है, बस सभी लोग एक दूसरे को पकड़ कर ही कर रहे हैं। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेता हूँ फिर देखते हैं करने में आएगी कि नहीं, तब तो मैं आपको दूसरे लोगों की दिखाता हूँ कैसे कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से एक दूसरे को पकड़ के करा रहे हैं, अकेले तो यहाँ पर कोई नहीं कर पा रहा। और ये एक तो भारी भी बहुत है, मेरी तो हालत खराब, गर्मी ज़्यादा लग रही है बहुत यहाँ पर। तो सुबह से तो कुछ ब्रेकफास्ट करके चलाया नहीं, लेकिन यहाँ पर मेरे को चने मिल गए, ये चने खाते हैं और इन्जॉय करते हैं। बस एक काम मेरे को यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिल रहा है, फ़ोटोशूट का। फ़ोटोशूट के लिए लोग काफ़ी है भी, और चाहे तो खुद से भी ले सकते हैं, वरना तो आपको कोई ना कोई ढूंढ ही लेगा फ़ोटो लेने के लिए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें जो बर्फ़ है अगर साइड से थोड़ी चली जाती है तो कुछ इस तरीके से जम जाती है, तो इसका ध्यान रखिए। बर्फ़ एक बार अंदर चले गई तो पिघलने से तो पिघलेगी तो कम, लेकिन अंदर ही जम जाती है। और आप देख सकते हो 2 फीट तक की यहाँ पर आइस है, इससे आगे भी है, अभी मैं वहाँ भी जाऊँगा। बस ये स्केटिंग वाला ड्रामा करने के बाद जाऊंगा, गर्मी तो लगी रही है, ठंड का ऐसा कोई सी ये रहे मेरे पैर, ये देखो और नीचे तक आइस है, इससे ज़्यादा खुद भी नहीं मिल रही, तो कुछ इतनी ज़्यादा आइस है। ओह पैर के अंदर नहीं घुस गई, ओह घुस गई है, देखा तो कुछ इस तरीके से ये जम ही जाती है सीधे। अब इसको निकालने के लिए हाथ से तो बिल्कुल नहीं निकालें, इसके लिए पूरी सेफ्टी से अपना ग्लव्स लें और बाहर लगा ली। देखो ये जम गई, सिर्फ फ़ोन की बैटरी का भी ध्यान रखना है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा फोटो ले सकूं। और मैं जा रहा हूँ अब उस साइड को एक्सप्लोर करने के लिए, यहाँ थोड़ी भीड़ ज़्यादा है, तो उठते हैं और चलते हैं। तो अब चल रहा है, स्केटिंग मैंने हटा दी क्योंकि उससे चलने में भी नहीं आ रहा और स्केटिंग मुझे आती भी नहीं, मज़ा भी नहीं आया स्केटिंग में मुझे। तो मज़ा आया आपको? आया मज़ा? स्केटिंग का मज़ा नहीं आया। तो अब पहले और फोटोज़ ले लेता हूँ और पूरा व्यू दिखाता हूँ आपको एक बार। इससे आगे चलने के लिए पहले लग रही बहुत तेज भूख, तो पहले खाते हैं मैगी। यहाँ पीछे ही मैगी मिल रही है और साथ में मैंने ट्रेड ले ली, यहाँ नेटवर्क आ रहे हैं, देखते हैं टारगेट प्राइस पर ला गया है, ऐसे नहीं लाया है, देखते रहूँगा। बस थोड़ा बहुत बीच में नेटवर्क गायब हो जाता है तो उसकी वजह से कोई दिक्कत हो सकती है, बाकी मैं बाद में देखूंगा। बड़े भाई फोटो खींचोगे हमारी? एक्शन। तो फोबो में ज़्यादा एंजॉय करने के चक्कर में पूरा ही बर्फ से नहा गया, अब तो बाहर
पैरों में भी जम गई है। आपको मैं दिखाता हूँ, बड़ा अच्छा सीन है यहाँ पे, तो बढ़िया करके यहाँ से एंजॉय कर सकते हो। और एकदम प्लेन, काफी फुट गहरी। तो थोड़ी देर उस आराम करने के लिए थोड़ी धूप की साइड में जा रहा हूँ, फिर दोबारा आऊंगा और फिर वीडियो बनाऊंगा। बर्फ जो थी मेरे बालों में जमी की जमी रह गई। और मैं आपको चारों तरफ का व्यू दिखाते हुए चलता हूँ। पीछे आप देख सकते हैं, बिल्कुल जम गई है, बहुत ही ज्यादा बर्फ पड़ी है। तो पैरों में जो मेन ठंड है उसका रीजन तो मुझे मिल गया, ये है मेन रीजन, इसके अंदर बढ़िया करके मर गई। तो इसको वैली खाली कर दे, आ जाएगी। तो पहले मैं इसको खाली कर लेता हूँ वरना ठंड और लगेगी। तो इसी के साथ आप चलते हैं ऊपर की ओर और कुछ खाने पीने के लिए देखते हैं, क्यों ठंड हो रही है बहुत, हाथ मेरे सुन हो चुके हैं इसलिए अब जा रहे हैं ऊपर। टाइम ही काफ़ी हो गया है, शाम को जस्ट 3 बज रहे हैं लेकिन ठंड बहुत लग रही है, इसलिए मैं जा रहा हूँ ऊपर और कुछ खाने पीने के लिए देखूँगा। मैं यूपी से काम नहीं बना।